सो है गाइस, क्या हाल चाल है और वेलकम बैक। तो आ गए हम एक और वीडियो में, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML इमोजीज की। जी हाँ दोस्तों, आप इमोजी भी लगा सकते हो, सब कुछ आगे बढ़ हुआ है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो चलो यार सबसे पहले अपना स्टार्टिंग काम करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ टाइटल दे दूँगा HTML इमोजीज। तो आज हम कुछ इमोजीज देख रहे होंगे, और वीडियो छोटी रखने की कोशिश करेंगे। चलो यार HTML इमोजी डाल देता हूँ यहाँ पर पहले। और तो चलो यार अब चलते हैं, अब बॉडी के अंदर चलते हैं, और बॉडी के अंदर लिखते हैं H1, और H1 के अंदर लिखता हूँ माय फर्स्ट इमोजी। तो माय फर्स्ट इमोजी मैंने यहाँ लिख दी है, अब उसके बाद एंटर दबाता हूँ। और इसके बाद मुझे लिखना है पैराग्राफ के अंदर एक आपको नंबर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम एंड दबाएंगे, और फिर उसके बाद हैशटैग, और अब यहाँ पे 128 और 512। तो ये मैं अभी आपको एंड में बता दूंगा कौन कौन से नंबर हैं। कंट्रोल एस करेंगे, गो लाइव पे जाएंगे, और अगर आपको पता नहीं गो लाइव क्या है तो आपको प्ले स्टेक करनी पड़ेगी। तो देखो यार ये आ गया हमारी फर्स्ट इमोजी यहाँ पर। तो ये इसका नंबर जो है, ये इससे ये पहचान लेता है कि ये नंबर से हमें ये वाली इमोजी लानी है। तो ये चलो ये आसान सा था। और अब आपको नेक्स्ट इमोजीज की दिखा लेता हूँ मैं। नेक्स्ट इमोजी के लिए पहले हम चलते हैं साइज इमोजी पे, बात कर लेते हैं पहले थोड़ी सी। चलो यार आगे चलते हैं, H1 लगाऊंगा, और इसमें साइज इमोजी लिख दूंगा। आ जाओ तुम साइज इमोजी। ठीक है चलो यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद हमें एंटर दबाना है और पैराग्राफ लिखना है, और यहाँ स्टाइल दे रहे होंगे हम स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम लिख रहे होंगे फॉन्ट, फॉन्ट साइज। या गया फॉन्ट साइज। अब यहाँ फॉन्ट साइज में 48 पिक्सल दे देता हूँ, 48 px। ठीक है चलो 48 px हो गया। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो रही है ना। हाँ अब ठीक है, और इसको बंद कर देंगे। ठीक है अब ठीक है। चलो अब यहाँ देखो मैं लिखता हूँ एंड, और कुछ कोड लिख रहा हूँ मैं, आप नीचे इसको देख लेना, और कोई ना कोई कमेंट में तो आपको बता ही देगा। कमेंट में यार आजकल वैसे ही बहुत सारा लोग कुछ बता देते हैं, बताने वीडियो वालों से ज़्यादा बता देते हैं। एंड हैशटैग अब हम लिख रहे होंगे 128 516। एक और ले लेता हूँ मैं, और एक और ले लेता हूँ मैं एंड हैशटैग, इस बार लेता हूँ 128 525। तो बंद कर देंगे, और बस फिर उसके बाद हम अपना पी बंद कर देंगे। यहाँ से पहले पी को मैं हटा देता हूँ, और अब यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। अब ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे, जल्दी से चेकआउट करके आते हैं। ये देखो अब इसकी साइज़ जो है वो बढ़ चुकी हैं, ये हमारी इमोजीज आ चुके हैं कुछ। और अब मैं आपको बता देता हूँ यार एंड में आप कौन कौन से जो कि इमोजीज हैं उसको आप ला सकते हो, और क्या क्या उनके कोड्स हैं। तो यार चलो यार अब मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी स्माइली वाली है उसकी है 512 एंड में, तो 128 5 तो सब में ही है। देखो मैं आपको लिख कर ही दिखा देता हूँ एक बार, जो हमारी एंड है और हैशटैग वो लिख लेना आप पहले। चलो लिख लेता हूँ हैश, और जो हमारी 128 और ये 5, ये तो हमारे में सब में सेम ही रहेंगे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे कि 12 लगा देंगे यहाँ पर, और फिर नीचे के चलते हैं गन, नीचे लिखना है आपको सेम लिखना है, सेम आप लिख लेना यहाँ पर। 512 है, 513 513, अब ऐसे सेम लिख लेना यार ऐसे ही। 513 के बाद लिख लेना 514 और 515 516 और 517। तो ये देखो ये जो हमारी, और एक 511 भी सिग्मा मेल के लिए आती है, इसमें वो स्टैचू से खड़ा रहता है ना, सिग्मा मेल कहते हैं उसे, 515 511। तो ये सारी इमोजीज के कोड हैं, आप इसको कर सकते हो। तो 511 वाला जो है सिग्मा वाले के लिए है, 512 है जो वो स्माइल वाले के लिए, और 513 है जो दांत दिखा दी वो इमोजी वाले के लिए, और जो 514 है वो हंसने वाले के लिए, लाफ्टर वाले के लिए, और 515 जो है वो खाली हंस के दिखाने वाला, ये भी हंसने वाली कैटेगरी वाला ही है।
और 516 ज़्यादा हंसने वाली कैटेगरी। यार इमोजी का मुझे चक्कर समझ नहीं आता। और ये जो है हमारी जो 517 है वो हमारी वो वाली है जिसके ऊपर बिंदी से लगी रहती है सर पे, जो मतलब कि मैंने कुछ गलती कर दी वो वाला इमोजी होता है। तो चलिए यार आज की वीडियो में यही था, थोड़ी इमोजीज़ के बारे में बात कर रही थी हमने। और मैं मिलता हूँ ऐसी आपको कोई सेम सी वीडियो में। एक मिनट में आपको चलो यार थोड़ा सा दिखाई दूँ। कंट्रोल सी करो यहाँ पे, यहाँ कंट्रोल वी करो। तो यार देख लेना यार, मैं नहीं दिखा रहा हूँ यार, मेरे को इमोजी का करना ही नहीं है। चलो यार मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बब्बा अपना ध्यान रखें। और ये सारे इमोजीज़ के कोड थे, आप जरूर से प्रैक्टिस करके आना कल की वीडियो में, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।